नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिम्टी की लालटेन का 109वां एपिसोड। आज हम बात करते हैं, वैसे तो लगातार काफी लंबे समय से कोरोना कोविड 19 के संक्रमण के संबंध में, कोरोना कोविड 19 है क्या, कोरोना क्या है, इस बारे में हम लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं। आज हम आपको बताते हैं कि कोरोना कोविड 19 का नाम दुनिया के लिए नया नहीं है। कोरोना कोविड 19 के संक्रमण से आज समूची दुनिया जूझ रही है। चीन के वुहान प्रांत से निकलकर यह वायरस आज समूची दुनिया को हिला कर रखा हुआ है। कोरोना का नाम दुनिया के लिए नया नहीं है, इस नाम से दुनिया इस पिछली सदी के आरंभ में ही परिचित हो चुकी थी। लगभग 90 साल पहले दुनिया को कोरोना का पता चल चुका था। पुराने शोधों पर अगर नजर डाली जाए तो कोरोना वायरस की उत्पत्ति के संबंध में 1930 के आसपास ही कुछ इस तरीके की बातें मिलने लगी थी। इसके पहला अध्ययन महिला वैज्ञानिक डोरोथी हामरे के द्वारा 1962 में किया गया। उनका पहला शोध पत्र 1966 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें उनके द्वारा इस बात की ओर इशारा किया गया था कि कोरोना वायरस के द्वारा मनुष्य के श्वसन तंत्र पर हमला किया जाता है। शोधों से एक बात और साफ हो जाती है कि डोरोथी हामरे ही थी जिन्होंने कोरोना वायरस को पृथक से पता करने में कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद अन्य वैज्ञानिकों ने भी इस दिशा में प्रयास किए। एक अन्य वैज्ञानिक मेलकम ब्योने और डेविड टायरेल के द्वारा भी कमोबेश इसी तरह का शोध किया गया। डेविड टायरेल की प्रयोगशाला में ही जून अनमेदा के द्वारा पहली बार बताया गया था कि कोरोना दिखता किस तरह का है। शोध के अनुसार इस वायरस की संरचना गले के हार की तरह होती है, जैसा हमारे गले में हार महिलाएं पहनती हैं, उस तरह के हार की तरह होती है। और ग्रीक भाषा का शब्द कोरोना से लैटिन भाषा का शब्द कोरोना बना था। कोरोना का मतलब होता है हार या माला, इसलिए पहली बार 1968 में कोरोना शब्द का प्रयोग किया गया था। हालांकि 1968 में कोरोना वायरस इतना खतरनाक नहीं हो पाया था। कोरोना बहुत बड़ा परिवार है। कोरोना वायरस परिवार के अनेक सदस्य हैं। कोरोना खानदान के एक और सदस्य सार्स ने सदी के आरंभ में आमद दी। सार्स ने 2002 एवं 2003 में लगभग 36 देशों में इसका कहर बरपाया। इसके बाद मर्स आया 2012 में, लगभग 27 देशों में इसने अपना प्रभाव दिखाया। कोरोना परिवार का मर्स नाम का जो वायरस था बहुत ताकतवर हुआ करता था। कोरोना कोविड 19 खानदान का सबसे कमजोर वायरस माना गया है, फिर भी इसके द्वारा है बहुत कमजोर, उसके बाद भी इसके द्वारा पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया गया है। आंकड़ों पर अगर आप नजर डालें तो मर्स वायरस के द्वारा 3 में से 1 मरीज की जान ली जाती थी, वहीं सार्स के द्वारा 10 में से 1 मरीज, और कोरोना कोविड 19 के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो 100 में से 2 लोगों की जान भी ये नहीं ले पा रहा है। कोरोना कोविड 19 को इस लिहाज से बहुत ही कमजोर माना जा सकता है, और ये माना जा सकता है इसकी मारक क्षमता, फैलाव क्षमता भले ही ज्यादा हो सकती है पर मारक क्षमता बहुत कम है। इसे सबसे बड़ी त्रासदी माना जाएगा कि नए शोधों और उन्नत हो चुके चिकित्सा विज्ञान के बाद भी इन तीनों कोरोना खानदान के इन तीनों मर्स सार्स और कोरोना कोविड 19 का अभी तक कोई प्रभावी इलाज टीका या टेबलेट नहीं बन पाई, कोई दवा विकसित नहीं हो पाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा WHO के द्वारा बार बार यही बात दोहराई जा रही है कि अगर कोरोना कोविड 19 की दवा या वैक्सीन ना मिले तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब है आपको इसके साथ ही रहना है, अपने अंदर इसकी एंटीबॉडीज तैयार करनी है। वायरस के बारे में एक बात और कही जाती रही है कि वायरस अपनी की प्रजाति बार बार अपना स्वरूप बदलती है, प्रजाति बदलती है। कोविड 19 की भी अनेक प्रजातियां, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है, विश्व भर में मौजूद हैं। इसकी जो प्रजाति अमेरिका में है वो भारत नहीं पहुंची। यही कारण है कि अमेरिका में मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है और भारत में इसकी तादाद बहुत ही कम है। भारत में बहुत कम प्रभाव इसका देखने को मिल रहा है। यक्ष प्रश्न यही खड़ा है आज के समय कि अगर इस वायरस का इलाज टीका वैक्सीन अगर नहीं मिल पाया तो क्या होगा। वैज्ञानिक यह भी कह रहे हैं कि अगर इसका
कोई सटीक दवा मिल जाए तो ठीक है, या फिर इंतजार कर किया जाए कि लगभग दुनिया भर के लगभग 65-70% लोग इसके संक्रमण की जद में आ जाए। अगर इतने लोग संक्रमण की जद में आएंगे, वैसे भी अगर आप संक्रमण की जद में आते हैं तो आप आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज तैयार होना आरंभ हो जाती हैं। यही कारण है कि ये कहा जा रहा है कि इस वायरस से जब जितने लोग संक्रमित होंगे और उनके शरीर में अगर एंटीबॉडीज तैयार होनी चालू हो जाएंगी, तब इस वायरस को नया ठिकाना, नया ठौर नहीं मिल पाएगा, और जब नया ठौर नहीं मिल पाएगा तो ये वायरस दम तोड़ने लगेगा। ये शोधकर्ताओं का, वैज्ञानिकों का दावा है। उम्मीद करें कि इसके लिए कोई माकूल दवा विकसित हो जाए, माकूल टीका मिल जाए, कोई वैक्सीन तैयार हो जाए, इसकी हम उम्मीद करें, क्योंकि जिस तरीके से शोध चल रहे हैं उससे उम्मीद की किरणें तो बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। हमारा मकसद किसी को डराना नहीं, हमारा मकसद शोध के हिसाब से जो चीजें सामने आ रही हैं उनको आप तक रखना, आपसे उसके बारे में आप अवेयर रहें, आप जागरूक रहें, ये बताना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे लगातार अपील कर रही है कि आप घर पर रहें, घरों से ना निकले, बहुत जरूरी होने पर घरों से निकले, अगर घर से निकलते हैं तो मास्क के बिना किसी भी कीमत पर ना निकले, प्रशासन का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें। प्रशासन, पुलिस, शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। सर्दी खांसी बुखार होने पर चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। अगर आपको लिमटी की लालटेन के ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम अगला एपिसोड लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। फिलहाल नमस्कार।